बहुत सही। ये देखिए काम चल रहा है, छत डालने का थोड़ा सा उतना एरिया हो गया है, अभी तो बहुत बाकी, छत ही छत बाकी रह गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी आज है 30 जनवरी और आज सुबह दिन बहुत ही अच्छा खिला, मतलब धूप ही धूप सुबह आ गई। और कल छत लदने का प्रस्तावित है कि कल छत पड़ेगी, तो आज ही हम जा रहे हैं प्लाट की तरफ। बैग वैग पैक हो गया भैया हमारा, खाना वाना भी ले लिए हैं, पराठा और खीर। क्यों हाँ। ये भाग रही है? देखिए भाग नहीं, पकड़ो बैग वाले के, बाहर तक तो पहुंचाओ कम से कम हमको। हेलो, हाँ आओ लाद लो, चलो 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 चलते हैं भैया। चलो आओ चलते हैं भैया प्लाट की तरफ, देखते हैं कल सही सलामत से सारा काम हो जाए, उसके बाद फिर मतलब दो ही चीज़ मेन रहता है, बीम पड़ जाए और छत अच्छे से पड़ जाए, बस उसके बाद टेंशन ख़त्म हो जाती है फिर। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, चले चले, बाय बाय। दो बस तो सामने से निकल गई, तीसरी बस आ गई भैया, कितने लकी हैं। और सुल्तानपुर डिपो की है, अकेले मैं ही सवारी हूँ। लो भैया पहुँच गए प्लॉट पे, और 1.5 घंटा लगा आने में सुल्तानपुर डिपो की। वैसे बीच में ढाबे पर रुक गए थे, नहीं तो और जल्दी आ जाती। मिश्रा जी का पता नहीं काम बंद है क्या, फटाफट लोग मीटर लगा रहे हैं और अपने घर में एंट्री मार रहे हैं। देखिए वाला मकान में भी लोग गृह प्रवेश करके घुस गए, प्रमाण भी कराया था और वैसे कॉलोनी वालों को नहीं बुलाया था। ऐसा भी होता, खास खास लोगों को बुला करके कार्यक्रम कर लिया अपना भाई, तो ऐसे ही भाई चल रहा। ये वाले मकान में देखे सामने से भी प्लास्टर करा दिया भाई, गेट तो अच्छा बनाया इन्होंने। मिश्रा जी का क्या हाल है भाई? अच्छा, ये मिश्रा जी का मकान भाई, अपना भी देखो चल रहा है उधर, सरिया वरिया काट करके लगा रहे हैं अभी, ऊपर तो बाधा नहीं कॉलम में सारा देख रहे हैं। इधर तो मकान बन के दूसरे मंजिले की तैयारी चल रही है, इसका भी छत लद गया क्या? शटरिंग का काम चल रहा है, पिताजी बैठ गए हैं गप मार रहे हैं, पता नहीं, देखिए पार्क के पास बैठे हैं गप मार रहे हैं। ओ भाई ये देखिए चल रहा है कार्यक्रम। ये देखो भैया सरिया ज्यादा मंगा ली होगा, तो 7 पीस तो आई है, है 12 सरिया आई है, पांच पांच दस तो 12 सरिया आ गई। अरे तो 8 सरिया बचेगी, 15 बंद कल भिजवा दीजिएगा। चलो तो कैसे ऊपर आने का रास्ता है भैया? इसमें घुसने का रास्ता भी देख रहे हैं कैसे कैसे बनाया हुआ, बड़ा रिस्की काम है। इसी पर से जा रहे हो भैया? क्यों भाई साहब, तंग के किनारे हटो जरा, हम चढ़ी देखी मजबूत है नहीं? तो वो 6 mm वाली सरिया कहाँ यूज की हो भैया? अरे 6 mm कह रहा हूँ, 16 mm वाली। अच्छा, और जो दूसरी बची है वो कहाँ यूज होगी? फिर ऊपर बनेगा, फिर यूज होगी है। तो कहाँ लगा दे? इसमें नहीं यूज हो सकती थी किनारे वाले में? नहीं,
बाहर से ये बंद करना पड़ेगा ना आगे वाला, कल सब बंद हो गया है। अभी मोबिल वोबिल इसमें लगा हुआ है, ये देखो भैया लग गया जो है सरिया का पूरा जाल ओल जो है पूरा बंध गया है, और इन भाई लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, क्योंकि बिना मेहनत के काम तो होता नहीं है। लेकिन ये छत पड़ जाना अपने में जो है काम की समाप्ति को दिखाता है, एक बड़ा काम निपट जाएगा, मतलब छत लग गया आपका समझिए कि काफ़ी परसेंटेज में काम पूरा हो गया। तो ये सरिया वरिया का जाल पूरा बंध चुका है, और कल जो है देखिए अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, सब कुछ सही रहा तो इस पे छत भी लदने की तैयारी जो है कल के लिए है, और मैं भी यहाँ पे आ ही गया हूँ। तो कल दिखाऊंगा फिर सारा आपको वीडियो बना करके दिखाने के। वाकई इसको बनाना बांधना सारा काम काफ़ी एक्सपर्ट लोगों का काम है, ये सब देखिए काफ़ी मिस्त्री हैं, मतलब काफ़ी एक्सपर्ट मिस्त्री हैं जो इसको इस काम को कर रहे हैं न, सबके बस का नहीं है। मतलब हम लोगों के लिए खुद करना हो तो शायद ये थोड़ा मुश्किल का काम होगा ना। यह आंगन वाला पोर्शन जो है छूट गया है, एक एक फिट का बारजा यहाँ पे निकल जाएगा, लगभग ये भी तैयार ही हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हम भी सुबह 5 बजे ही उठ गए हम पिताजी, और हम लोग आ गए यहाँ पे रहमत नगर वाले प्लाट पे। इधर पन्नी लगा दिया है बैठक में, उसके बाद भी अंदर पानी टपक रहा, सीलनारी छत के नीचे जो है टपक रहा पानी, आग ओग जला दिए हम लोग। सुबह 5:30 बजे उठ के भाग पड़े कि आओ चलो एक बार देख आते हैं। और यहाँ पे अभी कोहरा पड़ रहा है, जबकि वहाँ पे कोहरा नहीं है बिल्कुल, देख रहे हैं। ये देखिए बैठ के जो है आग ओग सेकाई चल रही है, कहो ये देखिए बिना प्लास्टर के सीधे पुट्टी लगवाने पे कैसा दिख रहा है, ये बढ़िया साफ सुथरा हो गया ना। बाकी ये सब ऐसे ही पड़ा है, थोड़ा हवा कम आ रही, पानी देख रहे हैं, ये समस्या आ रही है इसमें, ये इससे कैसे निजात मिलेगा कुछ पता नहीं। बाकी सब ऐसे पड़ा हुआ है, सामान वान फैला हुआ है, कोहरे से हो सकता है या किसी और चीज से, देख रहे पूरा पानी पानी टपकने जैसा हो रहा, देख रहे ये सब जगह। बगल वाला प्लाट भी जो है देख ही देखा, देख रहे हमारे बगल में ये कह रहे हैं हम भी ऐसे ही बनवाएंगे। ये भी साफ सुथरा हो गया, सामने वाले तो कराए ही हैं, मिट्टी डलवा के बनवाएंगे, इसको तो हमने ही कराया था साफ सुथरा दक्षिण साइड वाला, ये उधर तो वैसे ही साफ सुथरा है। देखिए किस्मत किस्मत की बात है, ब्रश करने के बाद एक पैकेट बिस्किट भी मिल गया, पार्ले 2020। चलिए सभा संपन्न हो गई है, हम लोग भी आए घूम लिए, आग ओग भी सेक लिए, अब सभा संपन्न हो गई। हले चाबी पकड़ा, जय राम जय राम। देखिए भैया सुबह सूर्योदय हो चुका है, और ये सब हमको हटाना है यहाँ से, क्योंकि यहीं पे सीमेंट जो है पूरा गिरवाना है हमको, उधर किनारे साइड में दिए सब पूरा जो है इनका फट्टी फट्टा जो है सब यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको,
और इधर बिजली वाले भैया अपना काम धाम शुरू कर दिए हैं ऊपर आके। चलिए हम भी अपना काम शुरू करते हैं। ये भैया देखिए जाल वोल बंध गया, हमारे बिजली वाले जो है इंजीनियर साहब लोग आ गए हैं, अपना पाइप वगैरह डाल रहे हैं और ये पाइप वाइप जो है लाइट वाइट का जो पंखे वंखे का सारा सिस्टम लग जाए उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान और इजी हो जाएंगी। और यहाँ उतरना बड़ा कठिन काम है सीढ़ी से, अभी ने जब तक सीढ़ी नहीं बन जाएगी, ये सीढ़ी बन जाएगी उसके बाद थोड़ा सा इजी आसान हो जाएगा। ये देखो भैया सब लोग आ गए, शटरिंग वटरिंग वाले सब आ गए, बिजली उजली वाले, सीमेंट वमेंट भी लद के आ ही रहा है। और हम लोग बना रहे हैं खाना, पिताजी बना रहे हैं सब्जी, चुल्हा धरा ही तख्त बापू बना तब सही रहे बनावे में ऊपर। बस अब सही है, लवा कढ़ाई उड़ाई चढ़ावा जाए। और का आलू मटर गोभी कहो चिर के तैयार है, पत्ता वाली डाल के जरूरत ना है, चलो ठीक। हाँ सब डाल दिए, नमक उमक डाल दिए, कुछ नहीं डालना है। तो सीमेंट भी आ गई भैया, 50 बोरी सीमेंट, 50 बोरी में एक बार में आए, 25 एक बार में, तो काहे नहीं ला दे 100 बोरी। पूरा मेला लग गया है, ये देखिए मशीन वसीन आ गई, अब की मशीन दूसरी है ना, अब की नई मशीन, थोड़ा पिछली बार पुरानी मशीन थी। देखो भैया दबाएं दे आदमी भी बदल गए हैं इस बार, आदमी भी बदल गए हैं इस बार। देखिए मेला जैसा माहौल हो गया यहाँ पे, आदमी की भीड़ देखिए, और ये भीड़ भाड़ में ही काम होता है, उसी में हल्ला ज्यादा मचाते हैं काम। ये लाओ वो लाओ, पनारा बोलते हैं इसको, ये वाला जिसमें मसाला गिरता है। हाँ लगेगा गई, 1 किलो और 2 किलो चाहिए, लड्डू बांटने के लिए 2 किलो कम नहीं। लड्डू कितना लगेगा? 1 किलो 2 किलो हमारा अंदाजा 2 किलो लगेगा सबको देने। अच्छा तब तो कम है, 1 किलो और चाहिए। चलो भैया अगर बत्ती लगाने के लिए बुला रहे हैं, अगर बत्ती लगाओ मशीन स्टार्ट करो, देखो सब तैयारी हो गई है, लड्डू भी आ गया है, आ जाओ आप लोग लड्डू खिलाता हूँ। कहाँ लगाई हो? असली मिस्त्री हैं यही है, दाढ़ी वाले भाई साहब, क्या नाम है? करण। बढ़िया छत ला दो, मस्त मसाला बढ़िया बने के चाहिए, एक नंबर। हाँ जय श्री राम। चलो भैया ऊपर चलते हैं, ऊपर अगर बत्ती लगानी है अपने छत में, वहाँ भी मिस्त्री लोग इंतजार कर रहे हैं। लो ये श्री गणेश हो गया, कार्यक्रम का श्री गणेश हो रहा है, माल बनना शुरू, सीमेंट यहाँ गिर गई। पूरा हौज पौज का कार्यक्रम हो जाता है, बिजली वाले उसे में सब। YouTube वीडियो बन रहा है, कह रहे वीडियो बन रहा है, जोश आई गवा है वीडियो देख के, है जोश नहीं आवा। Thank you.
ये जो पन्नी वन्नी है जो कूड़ा कबाड़ा फेंका जाएगा इसी में रहेगा, सब नीचवा दिखेगा। भैया ये पन्नी वन्नी सब उठा के फेंक दो बाहर, नहीं सब दिखेगा नीचे वहां से। देखिए माल आ गया भैया, शुरुआत जो है पंखे से शुरू किया इन्होंने, है उधर भी भोला मार के। शुरू है कार्यक्रम, तो बिजली का फाइनल टच तैयार चल रहा है। कलू देखो भैया जोश आ गया है लोगों को, जोश आ गया है। हाँ ये देखो भैया जोश आ गया है सब लोगों को फिर से। बहुत सही, ये देखिए काम चल रहा है, छत डालने का थोड़ा सा उतना एरिया हो गया है, अभी तो बहुत बाकी छत ही छत बाकी रह गया है, बीम बीम तो मैक्सिमम पार्ट हो गया है, तो वहाँ गिरा दे रहे हैं, घर की ओर डालना शुरू किया इन्होंने। दो बज के 47 मिनट शाम के, अभी भी देखिए छत लदने का कार्यक्रम चल ही रहा है। आइए चलिए देखते हैं कितना छत पे कितना काम हो चुका है, कितना छत लद गया है। अभी बता रहे थे कि गिट्टी कम पड़ेगी, गिट्टी कम पड़ेगी, कहाँ कम पड़ेगी, बची जाएगी गिट्टी बहुत है, अभी इतना एरिया और बाकी रह गया आगे का, बस एक टाली गिट्टी लगेगी इतने में और दो टाली के आसपास है, खत्म है लगभग। कार्य की समाप्ति है, काम खत्म। क्यों भाई कितने घंटे में खत्म हो गया? 5 घंटे। हाँ बीच में 15-20 मिनट के लिए बंद रहा। अब देखो भैया खोल रहे हैं मशीन वशीन अपनी जो है चढ़ गए हैं, मशीन वशीन खोल रहे हैं। असली असली मिस्त्री वहाँ पे है। काम की समाप्ति हो गई, हमारे मिस्त्री जो है लगे हुए हों ऊपर थोड़ा लेवल करने के लिए बनाने के लिए। ये देखिए समोसे की पार्टी जो है अब शुरू हो रही है, और मिठाई तो खत्म हो गई, मिठाई पहले ही खत्म हो गई, 2 किलो लड्डू लाए थे खत्म हो गया था उसी समय, संख्या इतनी ज्यादा है। पहले 1 किलो लाए थे फिर 1 किलो फिर ले आए थे। कैसा है टेस्ट बताइए? या काम खत्म। हाँ काम खत्म है। अरे तेरे का लाई जाए तो ट्रैक्टर वाला पैसा तो मिल रहा। दोस्तों शाम के 6-7 बज गए और सारा काम अच्छे से निपट गया। कहो पिताजी है, छत वत लद गया, जो हम लोगों का जो टेंशन था वो छत लदने तक का टेंशन था, टेंशन खत्म और टेंशन खत्म हो गया। तो सारा सामान जो है लगभग मतलब समेट ही दिया है, इधर उधर अपना जो है रख दिया है, और अब आते हैं कल देखते हैं कैसे क्या रहता है मामला। ये देखिए सारा छत वत लद गया है, अभी तो ऊपर जाने लायक नहीं है, कल परसों 2-3 दिन बाद जब जाने लायक स्थिति होगी तब देखेंगे। तो अभी कार लेके जा रहे हैं, उसके बाद एक चक्कर आना पड़ेगा हमको बाइक लेके जाने के लिए, तो चला जाए। चलिए आइए चलते हैं, और बड़े अच्छे से निपट गया। चलिए ये वीडियो ही समाप्त करते हैं, और जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में नेक्स्ट डे में। थैंक यू, बाय बाय।